Hey everyone, welcome back to Winner's Choice. आज की वीडियो में फिर से एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है. आपको हेल्थ बेनिफिट्स पता चलने वाले हैं एक सुपर सीड के. और ये वही सुपर सीड है जो आपके घरों में भी मिलता है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको उसके बेनिफिट्स ही नहीं पता होते. कई लोग मानते हैं कि ये गर्म होते हैं इसलिए इनको सर्दियों में खाना चाहिए. ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं. तो आज इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें करने वाले हैं सेसमे सीड से रिलेटेड, यानी कि तिल से रिलेटेड. तो उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को आपने ऑन करना है बेल के आइकन पे हिट करके. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सेसमे सीड्स यानी कि तिल, ये हम सभी ने देखे होते हैं. कईयों के यहाँ सफ़ेद मिलते हैं, कईयों के यहाँ काले मिलते हैं, कईयों के यहाँ दोनों अवेलेबल होते हैं. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लिंक भी शेयर करूँगी जहाँ से आप ये सेसमे सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. तो बात करते हैं हम पहले इसके बेनिफिट्स से रिलेटेड. इस वीडियो में आपको ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स पता चलने वाले हैं सीड्स के, यानी कि सेसमे सीड्स के, जो आपने 100% अभी तक नहीं सुने होंगे. या अगर आप खाते हैं सेसमे सीड्स तो ये बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिल रहा होगा, चाहे आप जाने या अनजाने में उसे खा रहे हैं. तो चलिए आज का बेनिफिट स्टार्ट करते हैं सेसमे सीड्स को लेकर. देखिए, सबसे ज़्यादा तो सेसमे सीड्स के अंदर फाइबर होता है. बहुत ज़्यादा अच्छा फाइबर कंटेंट होता है जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत सपोर्ट करता है. इवन आप अगर ओबेसिटी है, आपको कैंसर है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी अगर हो रही है, तो अगर आप सेसमे सीड्स खाते हैं तो आपको ज़रूर ज़रूर बेनिफिट पहुंचने वाला है. क्योंकि 3 टेबलस्पून यानी कि 30 ग्राम सेसमे सीड्स के अंदर लगभग 12% फाइबर होता है, जो एक हेल्दी डाइजेशन के लिए काफ़ी होता है. सेसमे सीड्स आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लो करते हैं, साथ के साथ ये आपके हार्ट को भी हेल्दी बनाते हैं. इनके अंदर कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड मोनोसैचुरेटेड फैट्स. इनकी अच्छी क्वांटिटी होती है जिससे ये हार्ट को हेल्दी बनाते हैं. आपको मैं ये भी बताऊं कि जो सेसमे सीड्स होते हैं यानी कि तिल जो होते हैं, ये एक अच्छा सोर्स है प्लांट प्रोटीन का. तो अगर आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, अगर आपको बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो आप एज अ प्लांट प्रोटीन भी सेसमे सीड्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. सिर्फ 5 ग्राम ऑफ अगर आप सेसमे सीड्स खाते हैं, जो कि आपको 3 टेबलस्पून में लगभग मिल जाएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाएगा. इतना ही नहीं, सेसमे सीड्स यानी कि तिल आपके ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है. हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर फैक्टर बन गया है हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का. सेसमे सीड्स के अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीशियम होता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करता है. इसके अंदर लिग्नेंस, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो आपके आर्टरीज़ के अंदर प्लाक को बिल्डअप होने से प्रिवेंट करते हैं. साथ के साथ ये आपके हेल्दी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं. सेसमे सीड्स आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है. इसके अंदर बहुत कम, यानी कि ये लो इन कार्ब्स होते हैं और हाई इन प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स होते हैं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है. साथ के साथ ये जो सीड्स होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट तो करता ही है, साथ के साथ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर भी बहुत यूज़फुल होता है. तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि सेसमे सीड्स हमें कैसे कैसे हेल्प करते हैं, ये आपके बोन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम भी अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है, कि आपके कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, आपके पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपकी डायबिटीज़ को, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती है, वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी फाइट करने में आपको बहुत यूज़फुल होते हैं. साथ के साथ ये आपके इन्फ्लेमेशन को क्योर करते हैं और PCOS के पेशेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होते हैं. और अगर हम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करें सेसमे सीड्स की, तो इसके अंदर डाइट्री फाइबर, सैचुरेटेड फैट्स, मोनोसैचुरेटेड फैट्स, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन B6, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज एंड सेलेनियम, ये सारे ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर होते हैं.
अब तिल की तासीर की बात करते हैं, तो सफ़ेद तिल की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, यानी कि वाइट सेसमे सीड्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं, तो आपको इनको सर्दियों में तो ज़रूर खाना चाहिए, पर आप इसे गर्मियों में भी खा सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। अब बात करते हैं कि खा कितना सकते हैं हम, तो एक दिन के अंदर हम 50 से 70 ग्राम सफ़ेद तिल खा सकते हैं। ये सेसमे सीड्स हमें कब नहीं खाने चाहिए, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब हमें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। हालाँकि अगर आप इसको भिगोकर खाएंगे तो गर्मियों में भी आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। ये तो थी सेसमे सीड्स से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें। अगले वीडियो में हम और किसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।